पाकिस्तान सुपर लीग 6 के मैचेस अबू धाबी में जारी हैं। कल पिशावर जर्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच खेला गया। इस मैच से सरफराज अहमद के हवाले से हैरानकुन खबर सामने आई है। अबू धाबी में जारी पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के मैच में पिशावर जर्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 197 रन बनाए, जिसके जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग एक बार फिर नाकाम साबित हुई और सिर्फ 136 रन ही बना सकी। दोस्तों, हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से वसीम अयूब और उस्मान खान ने टीम को 62 रन का आगाज फराहम किया। उस्मान 28 और वसीम 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी हातिर हुआ कारकर्दगी नहीं दिखा सका। आजम खान, मोहम्मद नवाज और कैमरन डिलपॉट खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए। खुरम शहजाद 11 रन बनाकर आउट हुए। पिशावर जर्मी की जानिब से मोहम्मद इरफान ने 3, उमैद आसिफ ने 2, वहाब रियाज और एलन ने 1 विकेट हासिल की। दोस्तों, इससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले पिशावर जर्मी को बैटिंग की दावत दी। दोस्तों, सरफराज अहमद की मैच में अजीब हरकतें, बॉलर्स को मार पड़ने पर बदतमीजी पर उतर आए और अपने ही खिलाड़ियों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया।